दोस्तों, भारत सरकार ने बहुत ही अहम फैसला लिया है कि टिकटॉक और शेयर चैट वगैरह जैसी, हेलो वगैरह जैसी 59 या 56 एप्लीकेशंस को भारत से निकाल बाहर किया है। उनको डिलीट करना होगा और उनको निकाल बाहर करना होगा। तो टिकटॉकर्स और ऐसे जो लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि उससे क्या होगा, भारत को क्या फ़र्क पड़ेगा, लोग बेकार हो जाएंगे। भाई, किस तरह का धंधा कर रहे थे तुम लोग? दूसरी भी बहुत सारे माध्यम हैं जिस पे तुम जा सकते हो, भारतीय एप्लीकेशन को सपोर्ट करो। हैं यहाँ पे मित्रों एप्लीकेशन है भारत का, टिकटॉक के जैसा ही है, उसका उपयोग करो। और भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर तुम जा सकते हो और कहोगे कि क्या भारत से बहुत सारे लोग बाहर चले जाएंगे। अरे भाई, जो बेकार हैं, जो किसी काम के नहीं है, वही है टिकटॉक पे। ऐसे ही तो लोग हैं वहाँ पे जो बेवकूफ़ हैं, जिसको कहीं पर जाने की अपनी काबिलियत नहीं है, वही लोग हैं टिकटॉक पे। तो भारतीय एप्लीकेशन पे जाओ, तुम्हें तो सपोर्ट मिल ही जाएगा। और दूसरा कि भारत को, भारत की सरकार को, भारत के लोगों को क्या फायदा होगा कि भारतीय सारे डेटाज है वो गुप्त रहेंगे, भारत में रहेंगे, वो वहां चाइना में नहीं चले जाएंगे। एक सिक्योरिटी, दूसरी करोड़ों अरबों खरबों रुपए ये लोग अपने देश इसके माध्यम से कमा कर ले जा रहे थे, वो सब बंद हो जाएगा और वो पैसा सारा भारत में रहेगा, भारत के लोगों के पास रहेगा, भारत के लोगों की यहाँ पे आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि वो पैसा बाहर नहीं जाके भारत में रहेगा, भारतीय चीज़ें चलने लगेगी, भारतीय एप्लीकेशंस जो इसके रिलेटेड इसकी जैसी होगी वो सब चलने लगेगी। यहाँ तक कि अपना हाइक भी भारत का है उसमें, हालांकि थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट बाहर का होगा, लेकिन जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो भारतीय हैं उसको आप सपोर्ट करो। हम जागेंगे कब? फालतू बेवकूफ़ लोग आ जाते हैं और भी वीडियोस बना बना के कि क्या होगा, रोएंगे धोएंगे। अरे भाई, बेवकूफ़ हो न दिल न दिमाग, ज़रा तो सोचो। वहाँ सैनिक मारे जा रहे हैं, थोड़ा दिल से सोचो, अपने ही लोग हैं, तुम्हें टिकटॉक पे वीडियो बना के कमाना है? लाखों करोड़ों रुपए एक खर्च करते हैं तब बनता है एक सैनिक, और एक सैनिक की जान उस पैसों से भी ज़्यादा मायने रखती है। और तुम लोगों को अपने फालतू फोंदे जैसे आवारागर्दी वाले वीडियोस का सिर्फ एप्लीकेशन टिकटॉक चाहिए, हेलो चाहिए, शेयर चाहिए। बहुत सारे मौके हैं, भारतीय बनो, हिंदुस्तानी बनो, जय हिंद के जय घोष में अपना साथ निभाओ, अपना साथ दो, कंधे से कंधा मिलाकर देश के साथ चलो। आज कई सालों के बाद भारत में एक और कदम उठाया गया है। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को बाहर फेंका गया था, आज ऐसी सारी बहुत सारी कंपनियों को एक साथ बाहर फेंका गया है। तो इसमें ये दूसरी क्रांति है, इस दूसरी क्रांति में अपना सपोर्ट करो। अपने जो भी ऐसे कार्य करने वाले नेता हैं या आज की गवर्नमेंट है, उसको सपोर्ट करो और आगे बढ़ जाओ। रही बात पेट्रोल के दामों की, तो बता दूं कि आज युद्ध की स्थिति है भारत में, और इतने समय लॉकडाउन रहने के वजह से भारत के पास हथियार भी खरीदने के पैसे आज उस बजट में शायद कम पड़ रहे हैं, इसलिए वो हमसे पेट्रोल के माध्यम से वो पैसा ले रहे हैं। तो पेट्रोल भले ही थोड़े दिन महंगा है, डीजल भले ही थोड़े दिन महंगा है, और कई बार 70-80 रुपये हो चुका है पहले भी पेट्रोल, तब क्यों नहीं आवाज़ उठाई थी, आज क्यों उठा रहे हो? तो ये मामला जो है वो गवर्नमेंट को पैसों की ज़रूरत है, बाहर से हथियार भी खरीदने होंगे और भी देश की ज़रूरी चीज़ें खरीदनी होंगी, उसके लिए इस पैसों की ज़रूरत है। मैं भाई, डीजल महंगा है तो महंगा मैं पुरवाऊँगा, और हर किसी को मैं आग्रह रखूँगा कि सपोर्ट करे, थोड़ा सोचे, थोड़ा लंबा सोचे, तब जाकर हमारे देश का कुछ भला होगा। दूसरी बात कि भारत में आज इन प्रकार की टैक्सेस से भारत में शायद अच्छे टैक्स पेयर्स 1-2 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, लेकिन गाड़ी हर कोई व्यक्ति चलाता है। भारत में शायद 70 करोड़ से ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, 2-व्हीलर और 4-व्हीलर मिला के। तो उस माध्यम से भी सरकार तुमसे पैसा ले रही है, तो तुम टैक्स तो पूरा पे नहीं कर रहे हैं, पूरी जनता पे नहीं कर रही है, लेकिन जख मरा के पेट्रोल तो भरवाओगे, तो ये रास्ता बिल्कुल ही गलत नहीं है। सरकार सारे टैक्सेस बंद कर दे, 1% किसी में भी टैक्स ना हो, और पेट्रोल 150 रुपये प्रति लीटर हो, या 125 रुपये प्रति लीटर हो, या 100 रुपये प्रति लीटर हो, या डीजल 100 रुपये प्रति लीटर हो, तब भी वो महंगा नहीं पड़ेगा।
आज की पोजीशन को देख के। अगर वो चाइना थोड़ी सी जमीन हथिया लेगा तो उस पेट्रोल की कीमत से बहुत ज़्यादा होगा और हमारे सैनिकों को बिना हथियार मरना पड़ेगा, जैसे 1962 में हुआ था चाइना के साथ युद्ध करते हुए। अगर वैसा हुआ तब वो बहुत ही महंगा पड़ेगा। लाखों वर्ग किलोमीटर जमीन हमारी यहाँ से उनके पास चली गई। मानसरोवर 92,000 स्क्वायर किलोमीटर जगह हमारी उन लोगों के पास चली गई, एक गुजरात के जितनी बड़ी जगह। और मानसरोवर आज इंडिया का होते हुए भी वह हमें जाने के लिए वीज़ा चाहिए और लाखों रुपए खर्च होते हैं। शायद आज अगर वहाँ जाना हो तो 3 लाख रुपए खर्च होते हैं तब जाकर हम मानसरोवर के दर्शन कर पाते हैं, वहाँ जाके बैठ सकते हैं, वहाँ नहाने की अनुमति नहीं है। थिंक अबाउट इट, स्वार्थी मत बनो, भाड़ में गया ये फालतू का टिकटॉक फिकटॉक शिकटॉक। अपनी बुद्धि का उपयोग अपने देश के विकास में करो। ये फालतू के कमर और कुल्ले हिला लेने से कोई बहुत फेमस आदमी नहीं बन जाओगे या देश हित में कोई काम नहीं कर लोगे, देशद्रोही ही बनोगे उनका सपोर्ट करके। और ऐसे ही लोगों की वजह से आज भारत अगर पीछे है दुनिया से तो यही लोग कारण है। दैट्स इट, आज इतना ही, धन्यवाद।